इस वीडियो में मैं आपको वॉशिंग मशीन का ड्रायर सिस्टम कई बार स्लो चलता है जिसको आप अपने ही घर पर अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर सिस्टम को खुद से ठीक कर सकते हो, इसके बारे में ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। ये हम आ गए हैं वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड। यहाँ पर पेचकस का यूज करके इसमें लगे स्क्रू को बारी बारी खोल सकते हैं। खोलने के बाद यहाँ पर इस पार्ट को खींच कर देखो। अब ये चीज चेक करना है, ये जो ब्रेक वाली वायर होते हैं तार, देख पा रहे हो कई बार तो ब्रेक तार टूट जाता है जिसके कारण से यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन की जो मोटर होते हैं वो जाम हो जाता है जिसके कारण वॉशिंग मशीन कि मोटर स्लो चलता है। तो उसको आप ऐसे खींच कर अच्छे से फिट करके बांध सकते हो जिससे आपकी वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो फ्री हो जाएगा। और आप उसको इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा घुमा कर भी देखेंगे तो ये पता चलेगा कि आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर फ्री है या फिर जाम है। अगर ये मोटर फ्री है, देख सकते हो, तो आपको क्या करना है, इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, ये देखिए। यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट को छूने से पहले आप अपने वॉशिंग मशीन की पावर प्लग से पावर प्लग का ये जो पिन होते हैं उसको अलग कर लें। तो मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ, ये जो इसके वायर्स होते हैं कलर टू कलर होते हैं तो सभी वायर्स को आप खोल देंगे। तो मैंने ये जो कंडेंसर्स है उसको सभी वायर को खोल दिया है। अब मैं इसको बिजली की बोर्ड में चल के कंडेंसर चेक करने का तरीका दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इसके वायर को एक साइड पे कर लेता हूँ। फ्रेंड ये देखिए, अब आपको सिंपल क्या करना है, इनकी दोनों वायर को बिजली की बोर्ड पे इस तरीके से लगाना है। ध्यान देंगे आपके बिजली की बोर्ड में पावर ऑन होना चाहिए और यहां पर ये जो वायर है इसकी स्पार्किंग भी अच्छे से होना चाहिए। अगर स्पार्किंग नहीं होता है तो आप इनमें वायर को चेंज करके चेक कर सकते हो। उसके बाद इसको चेक करना बहुत आसान होते हैं। इन दोनों वायर को आपस में जुड़ाना है या फिर आप टेस्टर या पेचकस की मदद से इस तरीके से आप इसको शॉर्ट करेंगे। ये देखिए, तो एक अच्छे तरीके से स्पार्किंग आएगा। तो ये जो आपकी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटर अच्छा है, अगर स्पार्किंग नहीं देता है तो ये कैपेसिटर खराब हो गए हैं। इस कंडीशन में आप ये जो देख रहे हैं इसमें चार वायर है, यानी कि इसमें दो कैपेसिटर मिक्स है, एक तो है 9.5 UF, दूसरा है 6 का। तो 6 वाला होता है ड्रायर का और ये जो ज्यादा है यानी कि 9 वाला है वो है इसके वॉश का। तो आप सिंपल इसमें एक 6 का ही कैपेसिटर लाकर अपने वॉशिंग मशीन की ये जो वायर निकाले हैं कंडेंसर्स के, उसके कंडेंसर टू कंडेंसर कलर से कलर मिलाकर वायर को जोड़ेंगे। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको इनके कनेक्शंस दिखा रहा हूँ। ये जो कंडेंसर्स होते हैं, एक तो इसके वायर को कलर से कलर पहले जोड़ दें, ये देखिए एक तरीके से जोड़ दें। ये मैंने एक कलर के साथ जोड़ दिया, ये मैं दूसरे वाले कलर के साथ इसको जोड़ देता हूं, देख पा रहे हो। अब मैं इसको फिलहाल दो डमी रखता हूं फ्रेंड, और ये जो दो वायर है उसको मैं नहीं जोड़ता हूं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने वॉशिंग मशीन की ये पावर प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगा के मैं ये चेक करूंगा कि इसके वॉश वाले चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर वॉश वाले चल रहे हैं तो फिर से इसको मैं पावर प्लग से अलग करूंगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने ये जो दो तार लगाए हैं ये हमारे वॉशिंग मशीन के वॉश मोटर के होते हैं, ठीक है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो ये सिंपल इन दोनों वायर को आप फिर से छोड़ देंगे और ये जो दो वायर बचते हैं इन दोनों वायर को फिर से कलर ऐसे जोड़ेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास ये फिर दो वायर, हमने इसको डमी रख दिया है और इधर से दो वायर हमने अलग कर दिए हैं। फिर से वही काम करेंगे, ये जो वॉशिंग मशीन की पावर प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगाएंगे केबल को, उसके बाद फिर से हम वॉश को चेक करेंगे ऑन करके, टाइमर ऑन करके। अगर वॉश चलता है तो अब ये कंफर्म हो गया कि हमारे वॉश वाले पे हमने ये दो वायर लगा दिए हैं। अब ये जो दो वायर बचे हैं इसको हम बिजली के टेप मारकर डमी ही रख देंगे और ये जो दो वायर हमारे बच जाते हैं ये तो हमारे हो गए वॉशिंग मशीन का ड्रायर वाले मोटर के, जो कि हमारी स्लो चल रहा है। तो मार्केट से आपको यहाँ पर 6 UF वाले कैपेसिटर लेकर आना है
और ये जो दो तार बचे हैं ड्रायर मोटर के वायर हैं आपने कंफर्म कर लिए हैं। तो सिंपल फॉर एग्जांपल्स मैं कंडेंसर्स को दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से दो वायर आपको कंडेंसर्स में मिलेंगे, एक एक वायर को यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से इन दोनों वायर पर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद सबको अच्छे से टैपिंग कर लेंगे, ये डमी वाले को भी टैप कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से टैपिंग वगैरह करने के बाद पीछे वाली कवर लगा लेना। उसके बाद ये जो होते हैं इसकी पावर प्लग, उसको बिजली की बोर्ड पे लगाएंगे फ्रेंड। फिर आप अपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर वाले पार्ट को चेक करते हो, ऑन करेंगे तो ये जो ड्रायर मोटर होते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है और सिर्फ वॉशिंग मशीन का कंडेंसर्स खराब होने की, कमजोर होने की वजह से आपके वॉशिंग मशीन का ड्रायर नहीं चलता है। तो ऐसे में अपने ही आप घर बैठे अपने मशीन को चेक करो, कंडेंसर्स की प्रॉब्लम है तो कंडेंसर चेंज करो और आपके काम बन जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। फिर से मिलेंगे हम कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।